गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, दैट इज ओपियोइड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन को कम करना। ओपियोइड एनाल्जेसिक हम तब देते हैं जब हमारे को बहुत ज्यादा पेन हो या मॉडरेट पेन हो। तो सीवियर एंड मॉडरेट पेन के अंदर हम क्या देते हैं? ओपियोइड एनाल्जेसिक। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव सीवियर पेन देन वी विल गिव मोरफिन, if we will have moderate pain then we will give codeine, both comes under opioid analgesic. By the term opioid analgesic we mean we will cure the pain but our patient will remain in consciousness. hum patient ka pain ko bhi khatam karenge aur patient jo hai hamara wo hosh mein rahega. to cure the pain with consciousness is known as opioid analgesic. Now in this class we will cover the mechanism. Now this is presynaptic neuron and this one is postsynaptic neuron. Whenever there is a pain, for example pain occurs, then the neurotransmitter of pain will be formed in presynaptic neuron. Hoga kya? Neurotransmitter pain ka hamara presynaptic neuron mein banega. Wo ek vesicle ke andar jayega. Ye hum sabko malum hai. इंफॉर्मेशन जो होता है वो वेसिकल के अंदर स्टोर होके ही पोस्ट के पास जाता है। आवर पेन न्यूरोट्रांसमीटर विल स्टोर इन वेसिकल। आफ्टर दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैल्शियम चैनल विल बिकम एक्टिवेट एंड द कैल्शियम विल गो इनसाइड द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होगा और ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से इस प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्या इंक्रीज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जब प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। मैं अगेन आई विल रिपीट, व्हेन देयर विल बी इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन। तो ये डीपोलराइजेशन होगा, जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं पेन के, द न्यूरॉन्स will come out from vesicle से न्यूरोन बाहर आएंगे और रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएंगे। रिसेप्टर हमने पहले भी स्टडी किया, 5HT और GABA रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं और हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ न्यूरोन्स वापिस वेसिकल में जाते हैं और दोबारा रिलीज होके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं तो हमें पेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 न्यूरोन्स हैं, 80% न्यूरोन्स डायरेक्ट रिसेप्टर के पास आ जाएंगे, 20% इस ओपनिंग में से दोबारा वेसिकल में जाएंगे और दोबारा फिर वो रिसेप्टर पे अटैच होंगे, इसलिए यहां पे ओपनिंग है। तो जब हमें पेन होता है तो क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है? डीपोलराइजेशन, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। अगर हमें पेन को रोकना है तो इस कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना होगा। तो हम करते क्या है, हमारे यहां पे एक ओपियोइड रिसेप्टर होता है, वो कुछ इस शेप को होता है, इसको हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। ऐसे सांप की शेप में होता है और 7 मेंबर होते हैं, तो सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं, और या फिर हम इसको नॉर्मल क्या बोल सकते हैं? ओपियोइड रिसेप्टर। तो यहां पे एक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। हम अपनी एक ड्रग देते हैं, फॉर एग्जांपल मोरफिन या कोडिन, वो ड्रग इस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाती है। तो जैसे ही हमारी ड्रग रिसेप्टर के पास बाइंड होती है, ये जो हमारा कैल्शियम चैनल है ये क्या हो जाता है? ये ब्लॉक हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो जैसे ही हमारी ड्रग इस ओपियोइड रिसेप्टर के साथ कंबाइंड होगी तो ये हमारा जो कैल्शियम चैनल है ये क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉक होगा, हमारे जो पेन न्यूरो ट्रांसमीटर है वो रिसेप्टर तक नहीं जा पाएंगे, और अगर वो रिसेप्टर तक नहीं गए तो हमारा पेन जो है क्योर हो जाएगा। सो इट मींस इफ वी वांट टू क्योर द पेन वी हैव टू ब्लॉक द कैल्शियम चैनल। एंड हाउ वी कैन ब्लॉक द कैल्शियम चैनल? जस्ट बाय अटैचिंग आवर ड्रग टू द ओपियोइड रिसेप्टर। ये एक्टिवेट होने के बाद इस कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, उसकी वजह से हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ सेल रुक जाता है और हमारे ये जो पेन के न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिसेप्टर तक नहीं जा पाते। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक ऑफ एवरी ड्रग। हम ओपियोइड रिसेप्टर को एक दूसरा नाम भी देते हैं, कुछ बुक्स में लिखा रहता है MU रिसेप्टर।
ये भी नाम लिखा रहता है। तो ये मैकेनिज्म है सभी ओपियोइड एनाल्जेसिक का। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी ड्रग्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।